दो युवक ढाबे पर बेचिंत होकर चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। उसमें से एक युवक फोन पर बात कर रहा है, लेकिन इस युवक को नहीं पता था कि अभी कुछ देर बाद इसके साथ ऐसी घटना घटित होने वाली है जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया होगा। ये सोनीपत के बहालगढ़ में बालाजी ढाबा है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली के गांव बाबरी के रहने वाले 26 वर्षीय शाकिब अपने भतीजे शादाब के साथ कंबल रजाई बेचने के लिए सोनीपत के बहालगढ़ आए थे और पिछले 12 दिनों से किराए के मकान पर रह रहे थे। रविवार रात को करीब 12 बजे चाचा भतीजा कंबल रजाई बेचने के बाद ही चाय पीने के लिए खेवड़ा रोड स्थित बालाजी ढाबे पर गए थे, लेकिन किसे पता था वो शाकिब की आखिरी चाय होगी। थोड़ी देर बाद कुछ युवक भागते हुए ढाबे की ओर आने लगे, जिस पर शाकिब व शादाब भी उठकर ढाबे के अंदर जाने लगे। तभी युवकों ने कई राउंड फायर करने शुरू कर दिए। गोली सीधे शाकिब को जा लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शादाब, क्या हुआ, क्यों गोली मारी गई आपके? सर, हम यहाँ बालगढ़ में काम करते हैं रसाई कंबल का, तो हम यहाँ से चाय पीने के लिए आए थे होटल पे ढाबे पे, और हम चाय पीने के लिए आके बैठे तो सामने से दो बंदे आए बाइक पे, और उन्होंने आके फायरिंग करना स्टार्ट जैसे करी, पिस्टल हाथ में लिया हुआ था उन्होंने, और हम साइड से भागना स्टार्ट किया हमने, तो हम जैसे अंदर घुस रहे थे तो उन्होंने फायरिंग करी, और हम बचने के लिए कोशिश कर रहे थे तो मेरे चाचा हैं शाकिब, उनकी गोली लगी। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम बाबरी के रहने वाले हैं, जिला शामली है। कितनी गोली लगी आपके चाचा को? एक गोली लगी है सर यहाँ। तो उन्होंने कितने फायर किए थे? सर, उन्होंने पता नहीं कितने फायर किए थे, पर उनको एक ही गोली लगी। इतना होपलेस हो रहे थे, कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं। तो कोई कहा सुनी हुई थी आप लोगों की? हमारे साथ कोई कहा सुनी नहीं हुई, हम तो जानते भी नहीं उन लोगों को। हम तो बस परसों ही घर से आए थे काम पे, काम भी स्टार्ट नहीं किया था, परसों ही आए थे घर से। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की अब तक? क्या पुलिस ने बोल रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, बस ऐसा बोल रहे हैं पुलिस वाले। 3 घंटे तक लाश वहीं पर पड़ी रही, 12:00 कुछ पे गोली लगी थी, और वहाँ से हम तकरीबन 2:30-3 बजे वहाँ से लाश उठा के चले। कोई डॉक्टर नहीं आया, एम्बुलेंस नहीं आई, बस कार्रवाई पे वहाँ पूछताछ करते रहे। पहले बोलते रहे तुम झूठ बोल रहे हो, फिर कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसे चल रही। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। परिजनों के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम होगा। सब इंस्पेक्टर सुखबीर ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सर, रात बालगढ़ रोड पर एक मर्डर हुआ है, क्या पूरा मामला है? रात को सूचना मिली थी कि बालगढ़ से खेवड़ा रोड पर किसी व्यक्ति को गोली मार दी है। जो मौके पर पहुंचे वहाँ पर शाकिब नाम के लड़के को गोली मार रखी थी सिर में, जो हमने अभियोग दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम करवाने के लिए लाश को जेएस सोनीपत में भेज दिया है। सर, कौन है शाकिब, कहाँ का रहने वाला था ये मृतक? ये शाकिब था बाबरी गांव का, बाबरी गांव है जिला शामली के। क्या काम करता था सर यहाँ? ये 10-12 दिन से कंबल बेचने का काम करता। सर, बदमाश किस चीज़ पर सवार वो कराए थे? दो कोई कहा सुनी हुई इनकी? नहीं, कुछ नहीं कहा। सर, सीसीटीवी भी सामने आई है इसमें? नहीं, अभी तफ्तीश जारी है। देख, मामले का पता लगते ही बाबरी में शोक छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। शाकिब की मां की भी एक सप्ताह पहले ही बुखार के कारण मौत हो गई थी। मोहल्ले के लोग पीड़ित परिवार को सांत्वना देने में लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि बदमाशों को किसी दूसरे युवक की हत्या करनी थी, लेकिन गोली मृतक शाकिब को जा लगी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोनीपत पुलिस गंभीरता से मामले की जाँच में जुटी है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।